Welcome. Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में आज अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे? बाइल, यानी कि बाइल का सिक्रेशन कैसे होता है, क्या इसके फंक्शन है, इन चीजों पे क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे. नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं. तो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. ब्लड सप्लाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था. नैरो सप्लाई, नैरो सप्लाई कौन करता है? इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है? केमिकल डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? और पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? तो लास्ट क्लास में अपन ने इन चीज़ों पे डिस्कस कर लिया था. तो अभी एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन इसको दोबारा से फिर से समराइज कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन आर कंपोज्ड ऑफ फोर लेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेयर है वो कितनी होती है? चार होती है. यानी कि जो अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी कितनी लेयर होती है? चार लेयर होती है. बट जब अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि पेरिटोनियम और जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है उसके अंदर क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर कुछ चेंजेज हैं. तो एक बार इनको अपन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. बाकी रिमेनिंग जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की जो है वही रहेंगी. पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम इज ए डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड मेजेंट्री अटैच द जेजुनम. जो ये पेरिटोनियम है डबल लेयर होती है किसकी? मेजेंट्री की डबल लेयर को अपन क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं. और ये किससे कनेक्ट रहती है? अटैच द जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. The large blood vessels are nerve lies on the posterior abdominal wall and the branches to the small intestine pass between the two layer of the mesentery. Peritoneum क्या है? Double layer of peritoneum is called mesentery. Double layer peritoneum को अपन क्या बोलते हैं? Mesentery बोलते हैं. Attach the jejunum and ileum. किससे connect होती है? Attach होती है jejunum and ileum से. Attach होती है कहाँ पे? To the posterior abdominal wall. द लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द ब्रांचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पास बिटवीन द टू लेयर ऑफ मेजेंट्री. नेक्स्ट अपनी आती है म्यूकोसा. द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज ग्रेजुअली इंक्रीज बाई परमिट सर्कुलर फोल्ड विलाय एंड माइक्रोविलाय. द विलाई आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जो विलाई है वो क्या है? छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं ऑफ द म्यूकस लेयर इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन अबाउट 0.5 टू 1 mm लॉन्ग. जो इसकी लेंथ है वो कितनी होती है? 0.5 टू 1 mm क्या है ये लॉन्ग होती हैं. देयर वॉल कंसिस्ट ऑफ क्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल. ये किससे कंसिस्ट होती हैं? क्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल से कंसिस्ट होती हैं. और एंटीरोसाइट विच टीनी माइक्रोविलाई जिसकी स्ट्रक्चर की साइज क्या होती है? 1 mm लॉन्ग ऑन देयर फ्री बॉर्डर. ग्लोबेटल सेल दैट सीक्रेट म्यूकस आर इंटरसेपरेटेड बिटवीन द एंटीरियोसाइट. ग्लोबेटल सेल क्या करते? सीक्रेट दैट म्यूकस आर इंटरसेपरेटेड बिटवीन द एंटीरियोसाइट्स. दीज एपिथेलियल सेल एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज. ये जो एपिथेलियल सेल है वो किससे एनक्लोज होती है? एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज. द लिम्फ कैपिलरी आर कॉल्ड लैक्टेज बिकॉज अब्सॉर्ब फैट गिव द लिम्फ एंड मिल्की अपीयरेंस. अब्सॉर्प्शन एंड सम फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द एंटीरियोसाइट बिफोर एंटरिंग द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज.
नेक्स्ट क्या है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अगर अपन किसी भी ऑर्गन को करते हैं तो क्या होता है वहां पे, एक होती है अपनी आर्टरियल ब्लड सप्लाई, सेकंड क्या होती है अपनी वीनस ड्रेनेज। जो आर्टरियल ब्लड सप्लाई वो कौन करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। तो आर्टरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी। वीनस ड्रेनेज की अगर अपन बात करें तो कौन करता है, वीनस ड्रेनेज इज बाय द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन विच जॉइन अदर वेन टू द फ्रॉम द पोर्टल वेन। जो वीनस ड्रेनेज है वो कौन करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो वेन है वो क्या करेगी, यहाँ से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो क्या करेगी, यहाँ से जो वीनस ड्रेनेज करेगी और कहाँ कनेक्ट करेगी उसको, वो पोर्टल वेन के अंदर कनेक्ट करेगी। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करती है, आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जो क्या करती है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे लेके जाती है, और वहां से जो अदर गैसेज हैं उनको लेके रिटर्न कौन आ रहा है, अपनी जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है वो क्या करेगी, वहां से रिटर्न लेके आएगी, जो किसमें कनेक्ट करेगी, ले जाके पोर्टल वेन के अंदर कनेक्ट करेगी। देन आफ्टर हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई कौन करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक टाइप से क्या है, यहाँ पे जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी नर्व सप्लाई होगी। देन आफ्टर अपनी क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, अबाउट 1.5 लीटर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस आर सीक्रेटेड डेली बाय द ग्लैंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या करती है, पर डे 1.5 लीटर जो है क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करती है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, एंजाइम है, और इसका पीएच कितना होता है, 7.8 से लेके 8 तक क्या है इसका पीएच होता है। फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है, ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूस बाय पेरिस्टाल्सिस सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का क्या है, सिक्रेशन हो रहा है। कंप्लीटेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इन द एंटीरियर साइट ऑफ द विलाई। प्रोजेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स दैट हैव सर्वाइव टू एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक बाय द स्लोटली लिम्फ फोलिकल्स एंड एग्रीगेटेड लिम्फ फोलिकल्स। सिक्रेशन ऑफ द हॉर्मोन सीसीके एंड सेरोटोनिन। अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन है।
केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? तो क्या है, व्हेन एसिड चाइम पास इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज मिक्स विद पैनक्रियाटिक जूस। जब क्या है, फूड कंटेंट इसके अंदर आएंगे और क्या होंगे, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मिक्स होंगे। बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस एंड इट एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीरियर साइट ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कंपोज्ड। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन द मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर ब्रेक डाउन होंगे, मोनोसेक्राइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। प्रोटीन आर ब्रेक डाउन टू अमीनो एसिड। प्रोटीन किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फैट आर ब्रोक डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो अपने फैट है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होगी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, द पैनक्रियाटिक जूस इंटर द ड्यूडिनम। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, इंटर होता है किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। द एट द हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर। पैनक्रियाटिक जूस किन किन चीजों से मिलकर बना है, वाटर से मिलकर बना है, मिनरल सॉल्ट से मिलकर बना है, एंजाइम है इसके अंदर, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और अपने जो इनएक्टिव एंजाइम है वो कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, और ये जो अपने क्या है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कंटेंट है, वाटर के द्वारा बनता है, मिनरल सॉल्ट के द्वारा बनता है, एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, कुछ एक्टिव एंजाइम होते हैं, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन। पैनक्रियाटिक जूस क्या है, एल्कलाइन होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 8 होता है। बिकॉज इज कंसिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस विच आर एल्कलाइन इन द सॉल्यूशन। किसकी वजह से होता है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये सॉल्यूशन है एल्कलाइन होता है। व्हेन एसिड स्टमक कंटेंट एंटर द ड्यूडिनम दे आर मिक्स विद पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल एंड द पीएच इज राइज टू बिटवीन 6 एंड 8। This is the pH at which the pancreatic enzyme amylase and lipase act most effectively. Next point क्या है, function. Function क्या है इसके, digestion of protein, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन हो जाता है। दैट आफ्टर क्या आता है अपना, कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन, द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय सेरोटोनिन एंड सीसीके प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल इन द वॉल ऑफ द
ड्यूडिनम. द प्रेजेंस इन द ड्यूडिनम ऑफ एसिड मटेरियल फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन. ये क्या है? देन आफ्टर अपना क्या आता है? बाइल. बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर इज अनेबल टू एंटर द ड्यूडिनम व्हेन द हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर इज क्लोज्ड. बाइल किसके द्वारा सिक्रेट होता है? Bile is secreted by the liver is unable to enter the duodenum when the hepatopancreatic sphincter is closed. Therefore, it passes from the hepatic duct along the cystic duct to the gallbladder where it is closed. यानी कि जो अपना liver है वो क्या करता है? Secretion करता है किसका? Bile का. कब? Hepatopancreatic जो स्पिंचर है वो क्या है? बंद हो जाता है. और जब ये क्या होता है अपने जो कहाँ पे पास फ्रॉम द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो अपनी हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है उसके अंदर क्या है प्रवेश करने में असमर्थ होता है. अलोंग द सिस्टिक डक्ट. और किसके साथ कनेक्ट रहता है? अलोंग द सिस्टिक डक्ट टू द गॉल ब्लैडर वेयर इज स्टोर. जहां पे क्या है इसका? ये इसका स्टोरेज होता है. तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जब अपनी जो यकृत है उसके द्वारा स्रावित होने वाला जो पित्त है, जो बाइल है, वो हेपेटोपैनक्रियाटिक जो अपने अग्नाशय, हेपेटो अग्नाशय है, उस यंत्र के बंद होने में, जब बंद होने के बाद जब प्रवेश में असमर्थ हो जाता है, इसलिए यह पुटीय वाहिनी के साथ पित्तीय वाहिनी में होकर पित्ताशय तक जाता है जहां यह स्टोर होता है. तो बाइल सिक्रेट किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा. क्या है? बाइल सिक्रेट होता है. इज अनेबल टू एंटर द ड्यूडिनम. ये क्या है? ड्यूडिनम के अंदर एंटर होने में असमर्थ हो जाता है. कब? जब अपना हेपेटोपैनक्रियाटिक जो स्पिंचर है वो बंद हो जाता है. बाइल लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है, ड्यूडिनम के अंदर ये जाने में अनेबल हो जाता है. किस के वजह से? जब अपने जो हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर है वो क्लोज हो जाते हैं. देयरफॉर इट पास फ्रॉम द हेपेटिक डक्ट. और ये किससे पास होता है? देन आफ्टर हेपेटिक डक्ट से अलोंग द सिस्टिक डक्ट, जो किसके साथ अलोंग है? सिस्टिक डक्ट के साथ अलोंग है. गॉल ब्लैडर वेयर इज स्टोरेज, जहां पे गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है? ये स्टोरेज होता है. बाइल हैज ए पीएच ऑफ एट एंड बिटवीन 500 एंड 100 एमएल. बाइल का पीएच कितना होता है? एट होता है. और कितने एमएल के लगभग पर डे सिक्रेशन होता है? 500 से लेके 1000 एमएल तक क्या है इसका सिक्रेशन होता है. बाइल किस किस के द्वारा बनता है? तो बाइल इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, बिलरुबिन और कोलेस्ट्रॉल. इनके द्वारा क्या है? बाइल जो है वो बनता है. बाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर होता है, मिनरल साल्ट होती है, म्यूकस होते हैं, बाइल साल्ट होती है, बाइल पिगमेंट होता है. बाइल पिगमेंट में क्या है? बिलरुबिन है और कोलेस्ट्रॉल होता है.
फंक्शन ऑफ द बाइल, द बाइल साल्ट सोडियम सोडियम टोरोक्लेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट इमल्सिफाई फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द बाइल साल्ट सोडियम टारकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट इमल्सिफाई फैट इन द सोडियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपने बाइल साल्ट है और सोडियम टारकोलेट और जो सोडियम ग्लाइकोलेट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अपनी फैट है उसका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इमल्सिफाई का मतलब क्या है, उत्सर्जन करते हैं। द बाइल पिगमेंट बिलरुबिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट। जो अपनी बाइल पिगमेंट है बिलरुबिन वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, ब्रेकडाउन होने के बाद जो अपनी इरिथ्रोसाइट्स जो है उनका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। एंड इज एक्सक्रीटेड इन द बाइल रादर देन इन द यूरिन बिकॉज ऑफ लो सोलिबिलिटी इन द वाटर। और ये क्या है, किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है, बाइल अपने जो यूरिन है उसके अंदर क्या है, एक्सक्रीट होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो इसकी सोलिबिलिटी है वो क्या है, कम होती है। बिलरुबिन इज अल्टर्ड बाय द माइक्रोब्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बिलरुबिन है वो अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर रोगाणु के द्वारा बदल दिया जाता है, यानी कि जो अपने माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा बदल दिया जाता है, यानी कि उनके द्वारा चेंज कर दिया जाता है। सम ऑफ द रिजल्ट यूरोबिलिनोजन विच इज द हाईली वाटर सोल्यूबल इज रीअब्सॉर्ब एंड them excreted in the urine, but most is converted the cerebellum and excreted in the fecus. जो यूरोबिलिनोजन के जो है परिणाम स्वरूप जो यूरोबिलिनोजन है वो क्या है, अत्यधिक पानी में घुलनशील होते हैं, जो पुनः से क्या है, अवशोषित हो जाते हैं, पुनः से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और फिर क्या है, जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर क्या है, उत्सर्जित होते हैं। और अधिकांश जो स्टेरोबिलिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपना फीकस है उसके अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड आर इनसोल्युबल इन द वाटर। जो अपने फैटी एसिड है वो क्या है, इनसोल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, विच मेक देम वेरी डिफिकल्ट टू अब्सॉर्ब। ये क्या है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं इसके अंदर किसमें, अब्सॉर्ब होने में, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। जो अपने इंटेस्टाइनल वॉल है उसके अंदर द बाइल साल्ट मैक फैटी एसिड। बाइल साल्ट क्या बनाती है, फैटी एसिड बनाती है सोल्यूबल, एलिविंग द बोथ दीज फैट आर सोल्यूबल इन विटामिन। एग्जाम्पल, जो अपना विटामिन के है वो क्या है, बी रेडिली अब्सॉर्ब। सेरोबिलिन कलर एंड डीकलरेशन द फिकस। जो अपना स्टेरोबिलिन है वो क्या है, जो अपना कलर जो है उसके को डीकलरेशन करता है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और जो अपन एनल कैनाल है इनके बारे में क्या है, अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर अपना उसके बारे में उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन बच गया एक, तो देन आफ्टर अपना रेक्टम है और अपनी जो एनल कैनाल है, ये अपन जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल। ये जो नोट्स हैं, ये जो आपकी जो भी वीडियोस क्लासेज हो रही हैं, इनके अंदर जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट के अंदर हमें बता सकते हो, या फिर जो इंडिविजुअल जो टीचर है, जो आपका क्लास कोऑर्डिनेटर है, उससे आप डिस्कस कर सकते हो। और जो भी हैं ये नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेज हो, ऑफलाइन क्लासेज होंगी, ऑनलाइन क्लासेज बंद होने के बाद उस टाइम पे आपके जो ये नोट्स हैं ये आपके क्लास टीचर जो भी आपका एचओडी है उसके द्वारा चेक किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल।